नमस्कार, मैं डॉक्टर शैलेंद्र कुमार सिंह, राजकीय महाविद्यालय भतरोजखा नलमोड़ा। आज का हमारा मुख्य विषय है मैथमेटिकल अर्थशास्त्र के अंतर्गत कुल आगम अधिकतम करना। वास्तव में कुल आगम उत्पादक की आय होती है। उत्पादक जब उत्पादन की मात्रा को बाजार में बेचता है तो उससे जो आय प्राप्त होती है उसे हम कुल आगम कहते हैं। यदि आपके पास मांग फलन दिया हुआ हो तो मांग फलन से कुल आगम फलन को आप व्युत्पन्न कर लीजिए। तो इसके लिए TR बराबर P इंटू Q होता है, और यदि आपको डिमांड फंक्शन P या Q फॉर्म में हो तो आप TR बराबर P इंटू Q में, या P फॉर्म में है या Q फॉर्म में है तो आप कोशिश करिए कि आपका फंक्शन जो हो इसमें रखने के बाद कुल आगम फंक्शन प्राप्त हो जाए। अब कुल आगम फंक्शन को जब प्राप्त हो जाए तो इसे हम मैक्सिमा और मिनिमम कहते हैं। याद रखिए, एक उत्पादक का उद्देश्य सदैव लाभ को अधिकतम करना होता है, आगम को अधिकतम करना होता है और लागतों को न्यूनतम करना होता है। यहां पर हमारे पास आगम फलन है। मान लीजिए प्रश्न यह पूछा जाए कि वो उत्पादन का स्तर ज्ञात कीजिए जहां पर टोटल रेवेन्यू मैक्सिमम हो, तो इस प्रकार आप टोटल रेवेन्यू फंक्शन को प्राप्त कर लीजिए। पहला डेरिवेटिव शुड बी इक्वल टू 0, यहां से क्यू की वैल्यू आ जाएगी, और इसी का आप द्वितीय अवकलन करिए और द्वितीय अवकलन आपका माइनस में आना चाहिए, तभी पहले वाले फंक्शन से जो क्यू का मान प्राप्त हुआ है वो अधिकतम को रिप्रेजेंट करेगा। यदि आपसे पूछ लिया जाए कि इस समय कुल आगम कितना होगा तो कुल आगम निकालने के लिए क्यू का मान कुल आगम में रख दीजिए। जब क्यू का मान कुल आगम फंक्शन में रख देंगे तो हमें कुल आगम भी प्राप्त हो जाएगा। यदि सीमांत आगम या औसत आगम भी प्राप्त करना चाहें तो भी इसी द्वारा हम प्राप्त कर सकते हैं। इस प्रकार के क्वेश्चनों में अधिकतर मैक्सिमा और मिनिमा की कंडीशन लगती है। मैक्सिमा और मिनिमा निकालने के लिए हमें सबसे पहले प्रथम अवकलन करना होगा। प्रथम अवकलन से प्राप्त समीकरण को इक्वल टू 0 रख दीजिए। यहां से जो भी क्यू का मान होगा उस क्यू के मान को प्राप्त कर लीजिए। अब यहीं पर आप छोड़ दीजिए। फिर आप प्रथम फलन जिसका अवकलन आपने अभी किया है, जिसके इक्वल टू आपने 0 रखा, उसी फलन का द्वितीय अवकलन करिए। द्वितीय अवकलन का मान यदि निगेटिव आता है तो Q बराबर इस लेवल पर जो भी आपकी वैल्यू आई है फलन मैक्सिमा है, और यदि द्वितीय अवकलन का मान पॉजिटिव है तो इसका तात्पर्य है कि द्वितीय की Q का मान मिनिमा को रिप्रेजेंट करता है। अधिकतर लागत फलन में द्वितीय अवकलन का मान वास्तव में पॉजिटिव होता है और आगम फलन में इसका मान सदैव निगेटिव होता है। इस प्रकार हम अपने फलनों को टेस्ट कर सकते हैं और जिसके आधार पर हम आगे की प्रक्रिया भी संपन्न कर सकते हैं। आइए एक उदाहरण लेते हैं, उदाहरण द्वारा इसे और स्पष्ट करते हैं। तो यहां पर उदाहरण में हमने एक मांग फलन लिया हुआ है। मांग फलन दिया हुआ है, इसके आधार पर हमें कुल आगम फलन ज्ञात करना है, साथ ही साथ उत्पादन के उस स्तर को ज्ञात करना है जहां पर कुल आगम अधिकतम हो, साथ ही साथ कुल आगम की गणना भी करनी है। अतः जो हमारे पास क्यू की वैल्यू प्राप्त होगी उसको कुल आगम फलन में हम रख देंगे। आइए देखते हैं, हम एक उदाहरण में देख सकते हैं कि हमारे पास मांग फलन पी बराबर 16-x दिया हुआ है। हमको गणना करनी है कि उत्पादन का वो स्तर ज्ञात कीजिए जहां पर कुल आगम अधिकतम है, साथ ही साथ यही उत्पादन के स्तर पर टोटल रेवेन्यू की वैल्यू क्या होगी, एवरेज रेवेन्यू की वैल्यू क्या होगी और मार्जिनल रेवेन्यू की वैल्यू क्या होगी। यानी हमारे पास प्रश्न ये है कि उत्पादन के उस स्तर को निकालना जहां पर कुल आगम अधिकतम होने के साथ साथ कुल आगम, औसत आगम और सीमांत आगम की भी गणना करनी है। अतः सबसे पहले हम कुल आगम फलन प्राप्त करेंगे। TR बराबर P इंटू X होता है, हम जानते हैं कि अब हमारे पास P की वैल्यू दी गई है 16-x गुणे एक्स, अतः 16x माइनस x²
ये आपके पास कुल आगम फलन प्राप्त हुआ। कुल आगम फलन प्राप्त होने के बाद अब आप इसका मैक्सिमा और मिनिमा निकालिए। फॉर मैक्सिमा एंड मिनिमा, इसके लिए हम जानते हैं क्या कि प्रथम अवकलन कुल आगम फलन का शुड बी इक्वल टू जीरो, दिस इज नेसेसरी कंडीशन। और सफिशियंट कंडीशन क्या है कि जो हमारे पास प्रथम अवकलन आएगा उसी का द्वितीय अवकलन। तो सबसे पहले हम प्रथम अवकलन निकालते हैं, तो टीआर फलन का प्रथम अवकलन करते हैं तो डी टी आर अपॉन डी एक्स बराबर 16 माइनस 2x। प्रथम अवकलन का मान ये आ गया। प्रथम अवकलन को हम क्या करते हैं, नेसेसरी कंडीशन के अंतर्गत इक्वल टू जीरो रखते हैं। अतः 16 माइनस 2x बराबर जीरो, माइनस 2x इक्वल टू -16, x इक्वल टू 8। हमारे पास ये उत्पादन का स्तर प्राप्त हो जाता है। अब ये उत्पादन का स्तर ये कंफर्म नहीं है कि मैक्सिमा को रिप्रेजेंट करता है या मिनिमा को, अर्थात कुल आगम इस पर अधिकतम है या न्यूनतम। अतः इसके लिए इस नेसेसरी कंडीशन के साथ एक सफिशियंट कंडीशन दूसरी लगाते हैं, सफिशियंट कंडीशन। सफिशियंट कंडीशन के अंतर्गत इसी फलन का द्वितीय अवकलन करते हैं, तो डी स्क्वायर टी आर अपॉन डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू -2। जब हम इस फलन का द्वितीय अवकलन करते हैं तो द्वितीय अवकलन करने के बाद हमें -2 प्राप्त होता। अतः द्वितीय अवकलन का मान यानी सफिशियंट कंडीशन इस फलन की -2 है। अतः x बराबर 8 पर उत्पादन जो होगा वो मैक्सिमा को रिप्रेजेंट करेगा। इस प्रकार हमें यह प्राप्त हो गया कि x बराबर 8 पर टोटल रेवेन्यू फंक्शन अधिकतम है। आइए हम अब गणना करते हैं, टीआर कितना होगा, एमआर कितना होगा, एआर कितना होगा। सबसे पहले हम टोटल रेवेन्यू फंक्शन को रखते हैं। टोटल रेवेन्यू फंक्शन बराबर यहां पर 16x माइनस एक्स स्क्वायर रहा, x का मान हम 8 रखते हैं। जब x का मान 8 पुट करते हैं किस पर, टोटल रेवेन्यू फलन में, तो हमें टोटल रेवेन्यू प्राप्त हो जाएगी। तो 16 × 8 - 8 का होल स्क्वायर, आपके पास 144 - 64, दस टोटल रेवेन्यू विल बी 80। इस प्रकार हमें कुल आगम 80 प्राप्त होता, यानी फर्म को अपने अधिकतम आय 80 प्राप्त होगी एट द लेवल ऑफ x = 8। ए आर कितना होगा, तो हम जानते हैं कि p बराबर 16 - x, ए आर बराबर 16 - x, क्योंकि p और ए आर बराबर होता है, तो 16 - x, x की वैल्यू कितनी है 8। अतः मूल्य कितना होगा 8, 8 इकाइयां भी है और मूल्य भी 8 होगा। अब एम आर की गणना करनी है, तो एम आर प्राप्त करने के लिए हम टोटल रेवेन्यू को डिफ्रेंसिएशन x के रूप में कर देंगे, x के सापेक्ष कर देंगे, तो हमें एम आर प्राप्त हो जाएगा। तो टोटल रेवेन्यू फलन हम जानते हैं 16x - x² है, जब हम इसका अवकलन करेंगे तो 16 - 2x हो जाएगा। अतः 16 - 2 × 8 मीन्स एम आर की वैल्यू जो होगी यहां पर 16 - 16, एम आर विल बी 0, मार्जिनल रेवेन्यू का मान 0 होगा। हम ये भी जानते हैं कि जहां पर एम आर 0 होता है वहीं पर टीआर मैक्सिमम होता है, यहां पर यह प्रूफ भी हो जा रहा है। अतः एमआर यहां 0 है और टीआर मैक्सिमा है, और वस्तु का मूल्य कितना है 8 रुपए पर यूनिट बेची जाएगी।